नमस्ते भाई बहनों, आप सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं आपको 25वां अध्याय सुना रही हूँ। सुनना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, हर हर महादेव की जय हो। 25वां अध्याय में है आज त्रेचताओं और शंकर जी की बातचीत। इतनी कथा सुनकर विदुर जी ने मैथिल जी से कहा, हे मैथिल जी, महादेव जी और प्रचेताओं में जो ज्ञान की चर्चा हुई थी अब आप उसको वर्णन करने की कृपा करें। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। उसका वर्णन कर मैथिल जी कहने लगे, हे विदुर जी, जब प्रचेता लोग पैदा हुए उस समय प्राचीन में बहिर्ष ने उन्हें आज्ञा दी कि तुम लोग वन में जाकर श्री नारायण भगवान का ध्यान और तप करो। उनके दर्शन प्राप्त करने के बाद तुम जगत में सृष्टि रचने का कार्य करना। प्राचीन बहिर्ष के यह वचन सुनकर प्रचेता लोग अपने घर से निकल पश्चिमी दिशा में सिंधु के तीर पर जा पहुंचे। वहां उन्हें एक अति सुंदर आश्रम दिखाई दिया और नजदीक ही एक तालाब भी था। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। वहां एक तालाब भी था। प्रचेताओं की को व्याकुलता हुई कि वे न तो नारायण जी को जानते हैं और एवं न इन्हें तपस्या तथा भजन करने की क्रिया ही आती थी, न तो उन्हें क्रिया करने ही आती थी, भजन और कीर्तन कैसे करते हैं, और न उनको नारायण जी को जानते थे वो। ऐसी हालत में किस तरह पिताजी की आज्ञा का पालन कर किया जाए, इस हालत में कैसे हम अपने पिता की आज्ञा का पालन किए जाए, कैसे हम आज्ञा का पालन करें। उसी समय उन्हें किसी आदमी की आवाज़ सुनाई दी देने लगी उसी समय उन्हें किसी आदमी की आवाज़ सुनाई देने लगी उन्हें आश्चर्य हुआ कि यहाँ कोई मनुष्य तो दिखाई नहीं दे रहा है, पर फिर भी किसी की आवाज़ आ रही है। फिर वह आवाज़ कहाँ से आ रही है? वे इसी संचय में थे कि उस सरोवर के अंदर से श्री शंकर जी प्रकट हो गए। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो, हर हर महादेव की जय हो। शंकर जी, उनको ये संचय था कि सरोवर के अंदर शंकर जी हैं। उनके साथ देवता और गंधर्व प्रार्थना करते चले जा रहे थे। प्रचेताओं ने शंकर जी को नहीं पहचाना और उसी प्रकार बैठे रहे। तब शंकर जी ने उनके पास आकर कहा, हे प्रचेताओं, हम शंकर हैं, हम तुम लोगों को ज्ञानोपदेश करने आए हैं। तुम लोग जिस प्रकार नारायण जी को जैसा समझते हो वैसा ही नारायण जी की भक्तों से स्नेह रखते हैं। तुम उनको जैसे भी जानते हो उसी रूप में तुम उनकी पूजा करो और जप करो, तप करो। इसलिए अब हम तुम्हें हरि भक्त जानकर ज्ञानोपदेश देते हैं। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो, हर हर महादेव की जय हो। शंकर जी के ऐसे वचन सुनकर सभी प्रेचता आनंदित हो उठकर खड़े हो गए। उन्हें सम्मान पूर्वक आसन देकर प्रार्थना करने लगे। श्री शंकर जी ने उन्हें श्री हरि की प्रार्थना में प्रधान हंस गुहा स्तोत्र सिखलाकर इस तरह कहा, हे प्रचेताओं, तुम लोग प्रतिदिन प्रातःकाल अथवा सायकाल में स्तोत्र का पाठ कर श्री श्याम सुंदर की प्रार्थना तथा उनके चतुर्भुज स्वरूप का ध्यान किया करो। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। श्री श्याम सुंदर जी की प्रार्थना तथा उनके चतुर्भुज स्वरूप का ध्यान किया करो। इस प्रकार तुम्हें शीघ्र ही श्री नारायण जी के दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। हे प्रचेताओं, तुम हम हरि भक्तों
एवं ज्ञानियों का दर्शन किया करते हैं। जो प्राणी अपने अज्ञान के कारण श्री नारायण का ध्यान करना नहीं जानते हैं, उन्हें हम ज्ञान उपदेश देकर 100 जन्म के लिए कृतार्थ कर देते हैं। जो प्राणी अपने अज्ञान के कारण श्री नारायण जी का ध्यान करना नहीं जानते, उन्हें हम ज्ञान उपदेश देकर 100 जन्म तक के लिए कृतार्थ कर देते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों को वेद तथा शास्त्रों में बताए गए सर्वधर्म पर दृढ़ रहना चाहिए। उन्हें पाप और अधर्मों में भी कभी रत नहीं होना चाहिए। जो मनुष्य ऐसा आचरण करते हैं, वे चतुर्भुज रूपधारी श्री नारायण जी के दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। इस तरह प्रेषिताओं को ज्ञानोपदेश देकर शंकर जी श्री शिव जी कैलाश को चले गए। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, हर हर महादेव की जय हो, हर हर।